हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे ब्यूटी, फैशन, सेल्फ केयरिंग और कॉमेडी शॉर्ट्स में जाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें, पसंद करें और शेयर करें। तो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ सेल्फ केयरिंग से, तो आप देख सकते हैं कि सेल्फ केयरिंग में मैं कैसे अपनी देखभाल करती हूँ, और जितनी भी अमूमन जितनी भी महिलाएँ हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, इन सबको हफ्ते में एक दिन अपना खुद का ख्याल रखना होता है। तो आज देखिए, मेरे साथ बने रहिए। आज के सेक्शन में मैं सेल्फ केयरिंग से लेकर आई हूँ कि खुद की देखभाल आप बिना ब्यूटी सैलून जाए हुए कैसे कर सकते हैं घरेलू तरीके में। और अमूमन जितनी भी आपको वर्किंग महिलाएं हो या फिर आपको होम मेकर हो, सबको हफ्ते में एक दिन अपने लिए निकालना होता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और मैं आपको बताऊंगी आगे की किस तरीके से आज मैंने अपना सेल्फ केयरिंग करा है। फ्रेंड, तो आज मैं करने वाली हूँ अपने हेयर को डाई और साथ में अपने स्किन केयरिंग। तो फ्रेंड, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मेरे बाल ज़्यादा नहीं हैं, इसमें एक दो बाल ही हैं जो कि अभी इनको डाई करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैं आपको बगल स्क्रीन पे दिखला रही हूँ कि मेरे फ्रंट में कुछ कुछ जगहों पे एक से दो बाल आए हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। आप जब भी पॉनीटेल करो, खुले रखने में तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप पॉनीटेल या जूड़ा कुछ भी करते हो तो आपके वो एक दो बाल दिखते हैं। तो इस कारण मैं आपको आज अपने बालों को डाई करने वाली हूँ, और वो डाई करने वाली हूँ मैं गोदरेज हेयर डाई से, जो कि क्रीम रिच होता है और क्रीम बेस होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं हमेशा जब भी ये मैं डाई पूरे बालों को नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा भी पूरा बाल ब्लैक है, थोड़े ही एक दो बाल ही हैं जो कि वाइट आगे में आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं ये गोदरेज पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, क्योंकि गार्नियर जो है, गार्नियर का भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो है कि लगाने के दो दिन बाद से ही फिर कलर वापस चले जाते हैं। लेकिन ये गोदरेज वाला जो ये है, इनके आपको कम से कम 15 डेज तक तो ज़रूर ही टिकते हैं। तो आइए, मैं इसे काट रही हूँ, आप साइड स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इनके दोनों जो है आपको लिक्विड होता है, एक कलर होता है और एक उसमें शैम्पू होते हैं, तो ये दोनों मिक्सर मिक्स करके आपको लगाने होते हैं। अच्छी तरीके से इसे पहले मिला ले और फिर आप उसे जिस तरीके से मैं अपने बालों पे अप्लाई कर रही हूँ, मुझे चूंकि आगे में कमी है इसलिए मैं बड़ा ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे टूथब्रश से यूज़ कर रही हूँ, ताकि और भी जो मेरे ब्लैक बाल हैं उनमें वो ना लगे। तो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा करके आपने देखा कि मैंने लगा लिया है, और इसे आप 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। उस बीच में आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने बेसन और हल्दी और जो भी मैं पैक घर में बना कर रखती हूँ, जो पैक मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या मिलाकर मैं पैक लगाती हूँ, तो वो पैक मैं अपने दही के साथ, मैं चूंकि दही को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, दही काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है। फ्रेंड, मैं अपने हर एक ब्यूटी सेक्शन में बता चुकी हूँ, दही का काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए, तो दही के साथ मैं हमेशा ये पैक मिलाकर लगाती हूँ। और जो मैं 1.5 घंटे वेट करूँगी, इसमें मेरे घर के कुछ बचे काम है वो मैं आपको कर लूँगी, साथ में इसे अपने फेस पे मैं अप्लाई करके फेस को भी फेस पैक को भी सूखने के लिए दूंगी। तो जैसे ही ये दोनों एक साथ प्रिपेयर होंगे, फेस पैक तो 15-20 मिनट के बाद मैं धो लूंगी, लेकिन बालों को कम से कम 1 से 1.5 घंटे रखने होते हैं, उसके बाद जाके आप ठंडे पानी से इसे धो लें। अगर आप चाहें तो शैम्पू भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो ये आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने इसे सब कुछ कर लिया है, और इसके बाद मैं इसे ठंडे पानी से धोकर नहा लूँगी, और उसके बाद मैंने अपने नेल पॉलिश को रिमूव करा है, उसे फिर नेल पॉलिश लगाऊंगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मान लो कि आप एक दिन में अपना पूरा सेल्फ केयरिंग नहीं कर पाओ, आप अमूमन सभी को मालूम है कि छुट्टियाँ किसी को भी नहीं मिल पाती है, चाहे वो होम मेकर हो चाहे वो वर्किंग हो, तो फिर भी एक दिन अपने सेल्फ केयरिंग के लिए निकालना होता है। फ्रेंड, तो अगर मान लो कि आप एक दिन में पूरा अपना बॉडी का, जैसे कि फुट मसाज, हैंड मसाज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो एक एक संडे आप रखो, एक एक दिन आप रखो कि आज बालों के साथ करना है, आज फेस के साथ करना है, फिर एक संडे आप किसी और दिन छुट्टी निकालो और लेग और हैंड के साथ करना है। तो इस तरीके से आप हफ्ते हफ्ते करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और आप ब्यूटी सैलून जाने के झंझट से भी बचोगे। वहां तो आपको टाइम, एक तो टाइम की है पंक्चुअलिटी रहती है, और दूसरी बात है
कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और घर में आप घरेलू नुस्खों से ये सब तरीके से आप अपने आपका केयरिंग कर सकते हो। तो मेरा ये आजमाया हुआ नुस्खा अगर आप आजमाएंगे तो आप भी देखेंगे कि काफ़ी चीप एंड वेस्ट तरीका है अपने आपका खुद के घर में खुद से घर में सेल्फ केयरिंग करने के लिए। तो फ्रेंड आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगी आपके लिए कुछ ब्यूटी फैशन सेल्फ केयरिंग इन तीनों सेक्शन से कुछ भी एक सेक्शन लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।